बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे यहाँ पे मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने पानी का लगाया हुआ है, इत्र भी लगा रहे हैं, मुझे भी इत्र लगाया जो बहुत अच्छी से खुशबू महक रही है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम कामरान खान है। कामरान भाई, ये पानी का जो स्टॉल लगा रहे हैं, हर बार लगाते हैं, इसी बार लगाया आपने? दो सिस्टम आ रहे हैं जी, और हम दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारी फाउंडेशन का नाम खिदमत फाउंडेशन है। हमारा जो यहाँ का आने का मकसद है वो भाईचारा कायम रहे, आपस में हम मिलकर रहें और देश की तरक्की में। आपने भाईचारे की बात करी, आज पूरे देश के अंदर भाईचारा चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका साक्षात्कार प्रमाण है। मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी सब एकजुट होकर गठबंधन की बात करने, कितना सहमत है आप गठबंधन से वो बताएं। जी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ गठबंधन से जी, और हम सबको मिलकर गठबंधन की तरफ जाना चाहिए जी, ताकि जो यूपी को हमने दशा देखी है पिछले दो ढाई साल में जी, वो तब्दील वो बदले जी, और हमारे लोग चाहे वो मूल निवासी हों या मुसलमान हों या बैकवर्ड से आने वाले हों, उनकी तरक्की हो सके। ये तभी संभव है जब हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी समाज को बराबरी का हिस्सेदारी दी, जिसमें मुसलमान समाज को भी बराबर का हिस्सेदारी दिया, उसी का ये कारण है जो आज यहाँ पे आप इत्र लगा रहे हैं। ये इत्र लगा के क्या विरोध कर रहे हैं, सबको क्या करने को बताएं? सर ये तो मैं भाईचारा, ये तो आप लोग भाई हैं, हम आपके सब हम एक साथ शरीक हैं जी जी जी। मतलब इत्र लगा के मतलब इत्र है क्या है ये जी? खुशबू है, हम आपसे मुलाकात करके चाहते हैं खुशबू महकती रहे और आप जिंदगी भर हमें याद रखें कि हम भी आपके भाई हैं, आपके सुख में खड़े हैं आपके साथ हमेशा। आपका शुक्रिया जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अनस है और इत्र के बारे में बताना चाह रहा था। अनस भाई बताइए कि ये खुशबू जब इंसान को दो चार छः दिन बाद याद आती है और इसके अलावा जिंदगी में कभी खुशबू आती है याद उसको, तो फौरन कहता है कि हमें वहाँ पर जो है एक संसद भवन पर हमारे भाई बंधु मिले थे जिन्होंने हमें खुशबू लगाई थी, बहुत अच्छी खुशबू थी। एक बात बताइए, पहले तो ईद हो होली हो दिवाली हो सब लोग मिलके मनाते थे, लेकिन आजकल वो काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, इसका क्या विशेष कारण है? जब से ये दूसरे क्या मोदी सरकार, मोदी सरकार जब से आई है इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई आपस में बांट दिए और इतना अत्याचार शुरू कर दिया इन्होंने कि जो पहले भाईचारा बन रहा था, इससे पहले भी इतने साल हो गए देश को गुलामी से आज़ाद हुए तब ऐसा नहीं होता था, इस 5 साल के शासन में इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया, 85% लोगों पर इन्होंने अत्याचार जो कि मूल निवासी हैं, और देखिए आज इसका एक प्रमाण है कि हम आपस में एक समान है। मूल निवासियों की बात कर रहे हैं, जो एकजुट नहीं होते उनकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मूल निवासी, मूल निवासी दलित पिछड़े अति मुस्लिम भाई सारे 85% लोग हैं, और ये 15% लोग जो भाईचारे को खत्म कर रहे हैं और एक दूसरे को बांटने की बात कर रहे हैं, और ये अब चल रुकने वाले नहीं है ना चलने वाले, गठबंधन ही कामयाब होगा देश में, और एक दूसरे एक तो बनेंगे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान ही इसमें कामयाब करेगा, सब इस चीज के अनुसार चलेंगे। इसी के साथ जय भीम जय भारत। चाहे मुस्लिम हो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो ओबीसी हो, अब सबने ठान लिया है कि अभी संविधान की तरफ कोई नजरें उठाएगा तो उसकी नजरों को हिला दिया जाएगा। ऐसे में से बात करने के लिए सबको धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।